फिल्म इंडस्ट्री का त्योहारों से गहरा नाता रहा है। बॉलीवुड में हर तरह के त्योहार को कई फिल्मों में दिखाया गया है। देश भर में रक्षाबंधन त्योहार की इस वक्त धूम मची हुई है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक इस फेस्टिवल को हिंदी फिल्मों में कई रंगों में और खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। फिर चाहे वो कुछ मिनट का रोल हो या फिर पूरी फिल्म ही इस कॉन्सेप्ट पर बनी हो, तो आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनमें भाई बहन के प्यार से सजे रक्षाबंधन त्योहार को बखूबी दिखाया गया है। पहला है सिकंदर। 1941 में रिलीज हुई सिकंदर बॉलीवुड की वो शुरुआती फिल्म है जिसमें राखी पर्व को दिखाया गया था। पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म में सिकंदर की भूमिका निभाई थी और इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर आप देख सकते हैं। दूसरी मूवी है कभी खुशी कभी गम। K3G के नाम से मशहूर इस मल्टी स्टारर फिल्म में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन भाइयों की भूमिका में थे और काजोल और करीना कपूर बहनों की भूमिका में थी। फिल्म में ऋतिक का किरदार अपने भाई को वापस घर लाने की कोशिश करता है जो 10 साल पहले अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए चला गया था और इसी के इर्द गिर्द ये मूवी घूमती रहती है। तो आप इस मूवी को भी रक्षाबंधन के दिन देख सकते हैं। अगली मूवी है राखी। 1962 में रिलीज हुई ये मूवी वहीदा रहमान और अशोक कुमार के ऊपर आधारित है। दोनों अनाथालय में पले बड़े हैं और एक दूसरे की ढाल बनकर रहते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इन भाई बहन के बीच दरार पैदा हो जाती है, लेकिन आखिर में सब कुछ एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है और इस मूवी को आप अपनी बहन के साथ देख सकते हैं। अगली मूवी है छोटी बहन। राजेंद्र का किरदार निभाने वाले बलराज सैनी अपनी बहन मीना, जिसका किरदार नंदा ने निभाया है, और छोटे भाई जिसका किरदार रहमान ने निभाया है, उनका ख्याल रखता है। जब मीना अपनी आंखें खो देती है तब राजेंद्र उसकी ढाल बनता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना इसी फिल्म का गाना है जो बहन का भाई के लिए प्रेम और केयर दिखाता है। अगली मूवी है करण अर्जुन। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित 1990 के दशक की सबसे सफल फिल्मों में से एक, शाहरुख खान और सलमान खान इस मूवी में भाइयों की भूमिका में है। फिल्म की कहानी दो भाइयों पर केंद्रित है जो अपने लालची चाचा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन चाचा उन्हें मार देते हैं और अपना बदला लेने के लिए वे पुनर्जन्म लेते हैं। और इस मूवी में एक छोटा सा सीन भी है भाई बहनों के ऊपर जिसे आप अपनी बहन के साथ बैठकर देख सकते हैं। वैसे आज राखी के इस पावन पर्व पर इंडिया TV शोबिज की ओर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।